बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुगल सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन इसकी छाप अभी भी झारखंड में दिखाई पड़ती है। जहांपनाह का दरबार लगता था, जहांपनाह की तो बात छोड़िए, यहां तक कि उनके अधिकारी अप्सराओं के साथ नृत्य करते थे। गरीब आदिवासी मूलवासी की गाढ़ी कमाई के पैसे उड़ाए जाते थे, जमीन के बंदरबांट होती थी, खजाने पर एक परिवार का कब्जा रहता था। शाहदेव ने कहा कि ये सारी बातें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में दाखिल किए गए अपने पिटीशन में सबूत के आधार पर कही है। मुगल सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन मुगल सल्तनत का अनुसरण अभी भी झारखंड में हो रहा है। अब ईडी ने हेमंत सोरेन मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन दाखिल किया, उसमें ये स्पष्ट किया साहब कि किस तरीके से राजा का दरबार लगता था, जहाँ पना बैठा करते थे, और जहाँ पना की तो बात छोड़िए, उनके अधिकारी भी नाच गान करते थे, अप्सराएं आती थी उस नाच गान में शरीक होती थी, अधिकारी भी ठुमका लगाते थे, और उसके अतिरिक्त जहाँ पना की जिसको इच्छा होती थी वो जमीन खान सब बांट दिया करता था, और उसके अलावा पूरे खजाने को लूट लिया एक परिवार ने, पूरे खजाने की बंदरबांट हुई है। जहाँ पना तो जहाँ पना साहब, उनके मुख्य सलाहकार सेनापति मंत्री सबों ने लूटा, तो आलमगीर आलम पर भी 3,000 करोड़ का जो स्कैम है उसका आरोप लगा है। तो मुझे लगता है कि मुगल चले गए, लेकिन झारखंड में उनकी झलक अभी भी दिखती है।